आनंद तिवारी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, बहुत धाकड़ प्रवक्ता हैं, उनके आगे कोई पत्रकार चाहे नेता उतना उनका जवाब नहीं दे पाएगा जितना बोलते हैं अपने दमदारी से। तो एक तुलना कोई करे, नहीं आनंद तिवारी आपका कोई आका नहीं बिगाड़ सकता है, तो ऐसा कहीं कहना नहीं चाहिए। इस वक्त पूर्वांचल के खास गाजीपुर जनपद के जहोराबाद विधानसभा में है, क्या बताना चाहेंगे? सवाल ये है कि इसी जवान से हम पान भी खाते हैं और इसी जवान से कुछ मिलता है और, लेकिन बात वैसा ही रखिए वजन में किताब की, आपका सम्मान बना रहे, कब किससे आवश्यकता पड़ जाती है। आनंद तिवारी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, बहुत धाकड़ प्रवक्ता हैं, उनके आगे कोई पत्रकार चाहे नेता उतना उनका जवाब नहीं दे पाएगा जितना बोलते हैं अपने दमदारी से। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के वो प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, और उनके तुलना कोई करे, नहीं आनंद तिवारी आपका कोई आका नहीं बिगाड़ सकता है, तो ऐसा कहीं कहना नहीं चाहिए। यानी कि उनका क्रेज सुभाषपा में बहुत बड़ा है। बड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छा, वो ये भी एक बयान में भी कहे कि अगर कोई समस्या है तो मंत्री जी से नहीं पहले हम लोग के बीच में रखा जाए, अगर उसका समाधान नहीं करते तब कहिए। पहले तो इकाई से ही पढ़कर दहाई पढ़ा जाता है। कोई कार्य करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो पहले अपने जमीनी स्तर से चले, ताकि एक ही बार हम ऊपर आवाज ना उठा दे कि नहीं हमारा काम नहीं हो रहा है। इसीलिए बनाया गया है, विंग बनाया गया है कि आप ब्लॉक के हैं, आप ग्राम सभा के हैं, आप जिला के हैं, आप मंडल के हैं, उसी तरीके से विंग बनाई गई है, उसके हिसाब से काम होता है। अगर नीचे से जा करके अगर मंडल तक नहीं होता है तब उसके बाद ऊपर बताया जाता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, ये सच्चाई है। यानी कि जहोराबाद में भी देखने को मिल रहा है कि आनंद तिवारी जी का जो क्रेज है, जो उनका एक विवाकी जो आवाज है, आज लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना है। आज ये भी कहा जा रहा है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो दहाड़ते भी हैं और जनता के लिए बहुत कारगर भी साबित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में जो लोग एक हल्के में उनको ले लेते हैं, एक भूल कर रहे हैं। ये उनकी विचारधारा है, अपना अपना मानसिकता है। जो आप पूछ रहे हैं इस समय तो कि नहीं बहुत ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो उनकी मानसिकता है, उनका विचारधारा है, लेकिन हम तो अपने आप को जान रहे हैं कि मैं क्या हूँ। मैं तो जानता हूँ, चूंकि रह गया सवाल कि अगर कहने वाला कहता है तो ठीक भाई तू अपना कहो, हम तुम्हारी बात को सुनता हूँ और तुम्हारा जवाब मुंह तोड़ दूंगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ उपस्थित रहे आज जहोराबाद में। अच्छा, दो लाइन, हम कलाकार हैं भाई, तो कुछ चैनल पे छोड़ दें ताकि देखने वाले लोग देखेंगे। आज 77 साल की आजादी में तमाम नेता पैदा हुए बैकवर्ड समाज के, तमाम नेता पैदा हुए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो राजभर समाज के लिए एक चुनौती बन गए हैं। आदमी जिंदा में कीमत नहीं होता आदमी का, जब आदमी धरती से चला जाता है उसके बाद उसका इतिहास लिखा जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर जी वो काम करते हैं समाज के लिए कि अब कोई दुनिया में तमाम नेता पैदा हुए हमारे राजभर समाज के, लेकिन किसी ने कहीं किया नहीं। चलिए, दो लाइन हम चाहेंगे जो आपके जुबा से आवाज हम हूबहू जो चाहेंगे इस समय जनता के बीच। कोनो गीत के पीछे को तर्ज होला। अच्छा। कभी जो है लिखता है कलाकार अपने अदायगी से गाता है। एक दुल्हन कह रही है, एक सखी से बतिया रही आपस में। अच्छा। कैसे बतिया रही है कि हमके मिलल बलमुआ गवैया, वो मेहरारू जन्मा मेहरारू से बतियाती है कि हमके मिलल बलमुआ गवैया, रोजे कमाला नगद नारायण रूपैया, रोजे कमाला नगद नारायण रूपैया, हमके मिलल बलमुआ गवैया। लेकिन हम गीत जनबा लिखले हैं नेताजी के ऊपर कि नेता सबसे हमार लड़वैया, हक हिस्सा के लिए लड़ाई होता है और होता रहेगा, यह सृष्टि का नियम है कि हिस्से के लिए लड़ाई होता है, घर में हो चाहे बाहर हो, लेकिन सच्चाई ये तो सच्चाई है कि नेता सबसे हमार लड़वैया, देखी के विरोधी अन का आवे ना ओ भैया, देखी देखी विरोधी अन का आवे ना ओ भैया, नेता सबसे हमार लड़वैया।
पहली लाइन में वो माई के जनबा आज हमारे बीच में माता जी नहीं है, उस माता जी के चरणों में कोट को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए कि आपने कैसे लाल को पैदा किया धरती पर कि पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि धन्य वो मतारी जेक दिहली जन्मवा, वह स्वर्गीय जितना माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि धन्य वो मतारी जेक दिहली जन्मवा, आ पिता सन्नु राज भर जे कर कहिले पलनवा, तारा मनी राज भर से भैली सगैया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपत्नी तारा मनी जी के साथ मंत्री जी का शादी हुआ है। तारा मनी राज भर से भैली सगैया, अनेता सबसे हमार लड़वैया। जय सुहलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी। बता दीजिए। मैं सौरभ प्रताप सिंह, भाजपा महामंत्री, काशमाबाद। अच्छा ये बताइए, इस जोहराबाद में विकास की तरफ से देखा जाए तो क्या लग रहा है? विकास का दौर जोहराबाद में नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है। कहीं कोई विकास में कोई बाधा नहीं आ रही है। अब तक मान लीजिए कि माननीय मंत्री जी हम लोग के साथ नहीं थे, लेकिन अब दल के साथ जुड़ गए हैं, उनका गठबंधन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं विकास तेजी से हो रहा है। अच्छा, अभी एक बनारस के आनंद तिवारी हैं, उनके ही पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो बात बेबाकी से रख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब आनंद तिवारी जी चूंकि सुभाषपा के प्रवक्ता हैं जी, उसमें तो उनकी पूरी लायबिलिटी है कि भाई जब तक गठबंधन में है उनके उनकी बात बोलचाल भाषा सब कुछ। हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं कि सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी, वो जो कहते हैं वही मान्य होता है, वही मान्य होता है। अच्छा, और उसको हम लोग यही जानते हैं, पर चाहे जनता भी जानती है कि जो ओम प्रकाश राजभर कहेंगे वही सही है। अच्छा, अपने दल के लिए। अच्छा, क्या माना जाए, त्रिस्तरीय चुनाव भी होने हैं अभी, देखा जाए तो लोगों की निगाहें भी है इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर, क्या लग रहा है सुभाषपा पार्टी से, अगर आप लोग की पार्टी से सहयोगी एक दल भी है तो कहीं ना कहीं चुनाव के नजर से क्या देखा जाए, उनको क्या मजबूतियां कायम होगी? अगर गठबंधन में त्रिस्तरीय चुनाव में अगर साथ रह जाते हैं हम लोग के, तो कहीं ना कहीं एक नया आयाम लिखने को मिलेगा और अधिक से अधिक सीटें निकलेंगी। जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हो, अधिक से अधिक सीटें निकलेंगी, क्योंकि पंचायत स्तर पे प्रभाव है। अच्छा, खासतौर पे जहुराबाद में पंचायत स्तर पे प्रभाव है। अगर जिला पंचायत का चुनाव गठबंधन के तौर पे लड़ा जाए, सामंजस्य के तौर पे लड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं एक भी सीट ऐसी नहीं है जो सुभाषपा और भाजपा मिल के जीते ना। अच्छा, एक सपा की बात किया जाए, उनके ही पार्टी में महेंद्र राजभर जो है अभी चल रहे हैं, सहयोगी भी बने हैं, उनका कार्यक्रम भी कई बार यहाँ हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि 5-5 हेलीकॉप्टर उतारने का काम करेगा और सपा पार्टी को यहाँ से विजय हासिल दिला का हम लोग रहेंगे, क्या कहेंगे? विकास हेलीकॉप्टर से नहीं होता है। हाँ, विकास धरातल से होता है। महेंद्र राजभर चुनाव में आते हैं, विरोधाभास बोल के चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास हेलीकॉप्टर उतार देने से आज एक गरीब का तबका हेलीकॉप्टर देखने नहीं जाता। उसको राशन चाहिए, उसको शुद्ध जल चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, महिलाओं का की सुरक्षा चाहिए। हेलीकॉप्टर से ये सब नहीं मिल पाएगा। हेलीकॉप्टर दिखा के वोट लेके जाएंगे, फिर पता चलेगा कि न महिला सुरक्षित है, न राशन, न किसी को राशन मिले, न सड़क मिले, तो फिर क्या फायदा? एक दावा वो कर रहे हैं 27 तक ओपी राजभर को हम पैदल कर देंगे। 27 में तो ये मान लीजिए कि जो लहर चल रही है इस समय महाराज जी का, 27 में तो ये लोग दहाई में आ जाए वही ज्यादा। लेकिन जोहराबाद में कह रहे कि ओम प्रकाश राजभर पैदल हो जाएंगे, क्या लगा? जोहराबाद में जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा वह चुनाव जीतेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। रह गई कोई जरूर, अभी तो कोई जरूरी नहीं कि ओम प्रकाश जी लड़े, ओम प्रकाश जी भी लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं महाराज जी और ओम प्रकाश जी अगर एक साथ हैं तो कोई उत्तर प्रदेश में हिला नहीं सकता। उनके सामने चुनौतियां खड़ी हो रही है, तो क्या लग रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? काहे नहीं चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ना ही है उनको। फिर चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग उनके क्षेत्र के हैं, तो क्या उनको चुनाव कितना लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो दल का पूरा सहयोग और पूरा समर्थन रहेगा। मैं आपके मंच के माध्यम से, मैं आपके माइक के माध्यम से मैं संदेश दे देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बैठक माननीय मंत्री जी करें, उसमें शामिल हों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिले
अब तक वो अपने दल के लिए चल रहे हैं, चलना भी चाहिए, हर व्यक्ति अपने दल के लिए चलता है। लेकिन ये सीट जहूराबाद, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे भाजपा के लोग, दोनों के नेता वही हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बैठाकर, बैठक में आकर सम्मान दें, प्रोत्साहित करें, जिससे कि आने वाली समस्याओं से लड़ा जा सके। एक बात यहां से भी खुलासा हो रहा है कि यहां के कार्यकर्ता का भी नज़र में है कि 40 साल या 35 साल हमने समय दिया और यहां की जनता ने काफ़ी सहयोग भी किया, लेकिन दूसरे क्षेत्र से आते हैं लोग और विधायकी का चुनाव में उतर जाते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ का जनता यहाँ के लाल को चुनना चाहती है, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं तो उनके लिए क्या होगा कि इस बार चुनाव में यहीं से वो लोग चुनाव लड़ने का प्रयास होगा कि फिर बाहरी से कोई आएगा? अब तो ये आला कमान का फैसला, आप लोगों का प्रयास नहीं रहता है कि हम लोग आवाज उठाएं और इस जनता, इस विधानसभा का ही लाल चुनाव में आए? देखिए, मांग जब टिकट घर की लड़ाई जब होती है, टिकट का मांग होता है तो सारे लोग मांगते हैं, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, सबकी इच्छा है कि मैं भी टिकट मांगूंगा, मेरी भी इच्छा रहेगी लड़ेंगे। लेकिन अंत में जो आलाकमान फैसला करते हैं उस पे सारे लोग एकजुट होकर वोट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास इस वक्त के लिए।